विराट कोहली जो कि एक टाइम पर टीम इंडिया के रीढ़ की हड्डी थे, पर अब वो रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई है क्योंकि उन्होंने पिछले 2-3 साल में बिल्कुल ही प्रदर्शन करके नहीं दिखाया और आंकड़े साफ जाहिर करते हैं कि वो अब उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है जितने कि वो अपने स्टार्टिंग के समय में हुआ करते थे। तो विराट कोहली अपनी फॉर्म को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और अभी उनका फ्यूचर उन्हीं के हाथ में है, पर कुछ दिनों बाद ये उनके हाथ से फिसल सकता है। वो किस कारण? क्योंकि अभी तक उनका नाम एशिया कप में तो शामिल है पर T20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं है, जो कि एशिया कप के बाद यानी कि 1 महीने बाद होने वाला है T20 वर्ल्ड कप, और एशिया कप खत्म होते ही T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड घोषित हो जाएगा। तो अगर विराट कोहली एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो कि एशिया कप T20 फॉर्मेट में है और T20 वर्ल्ड कप के लिए वो एक अहम कड़ी माना जा रहा है, तो इसमें अगर अच्छा प्रदर्शन कर देंगे तो उनका भविष्य सुधरा रहेगा क्योंकि वो वर्ल्ड कप के लिए चुने जा सकते हैं टीम इंडिया में। और अगर एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं होता तो शायद उनका नाम टीम से हट भी सकता है क्योंकि ये फैसला टीम मैनेजमेंट करेगी और कोच करेंगे, और कोच को पता है कि टीम के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, और अभी तक उनको लगता है कि टीम के लिए विराट कोहली जरूरी है, पर ये फैसला बदल भी सकता है एशिया कप के बाद। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि विराट कोहली को इस फॉर्म को लेकर भी एशिया कप और साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए या नहीं, और साथ ही साथ विराट कोहली जैसे इतने महान बैट्समैन को इतनी जल्दी छोड़ देना सही रहेगा या नहीं। और विराट कोहली से जुड़ी छोटी से छोटी न्यूज पाने के लिए नीचे जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में विराट कोहली से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, कीप प्लेइंग, प्ले हार्ड।